मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन। उसमें से लगभग हम लोग जो है बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, दो तीन टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रासरण, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, प्रासरण को ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, ऑस्मोसिस, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रासरण क्या होता है, आप इससे पहले 11वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है, इस प्रकार सा एक पात्र दिया गया है, इस पात्र को एक अर्धपारगमी झिल्ली से, है ना, अर्धपारगमी झिल्ली से इस प्रकार से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली से डिवाइड कर दिया गया है, और इस झिल्ली के दोनों तरफ मतलब इस तरफ और इस तरफ दो अलग अलग सांद्रता के विलयन रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया गया है विलायक, या ये बोलें कि इसकी सांद्रता कम है, और एक तरफ हमारा रख दिया है क्या, हमारा विलयन। तो ये हमारा क्या है, पात्र है, पात्र किससे हमारा अर्धपारगमी झिल्ली से क्या है, डिवाइड है, और इन झिल्ली के दोनों तरफ मतलब इस तरफ और इस तरफ दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये वाला ए की बात करें तो इसकी सांद्रता जो है अलग है, और हमारा बी वाला की बात करें इस साइड का, उसकी सांद्रता अलग है। तो हम देखते हैं कि जो विलायक के कण होते हैं, किसके कण होते हैं, जो विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्रता से, इधर से हमारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर क्या करने लगता है, हमारा प्रवाहित होने लगता है। किसके कण, विलायक के कण, किधर से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, जाने लगता है, और वो तब तक जाते रहता है जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाता है। तो यही क्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका प्रासरण कहलाता है, या प्रासरण कहते हैं। तो आपको कैसे बोलना है, यहाँ पर दो भिन्न सांद्रता के, या दो भिन्न सांद्रता के, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दो भिन्न सांद्रता के, सांद्रता के विलयन को, विलयन को अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, या पृथक रखने पर लिख सकते हैं, पृथक रखने पर, रखने पर विलायक के कण, विलायक के कण, विलायक के कण कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले विलयन से, विलयन से अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, विलयन की ओर, की ओर तब तक, तब तक अभिगमन, अभिगमन करते रहता है, या करता है, जब तक, जब तक कि, जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता बराबर ना हो जाए, दोनों विलयन, दोनों विलयन, विलयन की सांद्रता बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रासरण क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैंने भी आपको यही चीज़ समझाया, क्या समझाया भाई, कि हमारा एक क्या है, इस प्रकार से एक पात्र है, और इस पात्र को हम अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा क्या कर दिए हैं, पृथक कर दिए हैं। अब इस झिल्ली में हम दो प्रकार का विलयन लेते हैं, एक विलयन जिसकी सांद्रता क्या होता है, कम होता है, और एक विलयन जिसकी सांद्रता क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से, है ना, विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगता है, जाने लगता है, गमन करने लगता है, और वो तब तक गमन करते रहता है जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता जो है हमारा एक बराबर ना हो जाए। तो यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं,
परासरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, परासरण क्रिया को समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है भी, आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो हो गया परिभाषा। अब हम इस परासरण से संबंधित कुछ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, लैब में जाके क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एग ले लेते हैं, है ना। दो क्या ले लेते हैं भाई, हम लोग एग लेते हैं। कितना एग ले लेते हैं, दो एग। आपको पता होगा, आप कभी लैब गए होंगे तो आप देखे होंगे, यदि एग को, अगर अंडा को हम क्या करते हैं, HCl जो होता है, HCl का जो क्या होता है, हमारा जो विलयन होता है, उस विलयन में अगर एग को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो एग के बाहरी खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो तुरंत क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है, और केवल क्या होता है, अंडा के चारों जो ओर होता है, वो एक झिल्ली ही क्या होता है, बचता है। अब वहाँ से HCl में अंडा को डुबाने के पश्चात उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, जब क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर अंडा मिलता है, उस अंडा को जब हम क्या करते हैं, अलग से निकाल के उसको साफ करके अगर हम दो प्रकार के विलयन में क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं, किसको, यहाँ पर जो ऊपर का जो कवर, जो कि हम HCl से क्या कर चुके हैं, उसको निकाल चुके हैं, ऐसे जो अंडा है उसको हम क्या करते हैं, आगे दो प्रकार के विलयन में रखते हैं। एक में क्या होता है, हमारा पानी रहता है, है ना, और एक में क्या रहता है, हमारा नमक का विलयन रहता है। किसका विलयन, नमक का। नमक का फार्मूला आपको पता होगा, तो यहाँ पर आप नमक का विलयन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, नमक का विलयन रखते हैं। अब वो जो अंडा है, जिसका हम बाहरी खोल क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, उसको इन दोनों विलयन में क्या करते हैं, रख देते हैं। मतलब एक जो पानी वाला होता है उसमें, और एक जो नमक वाला होता है उसमें। अब यहाँ पर उसको क्या कर दिए भाई, हम लोग रख दिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको अंडा जो होता है उसको अगर हम NaCl में रख देते हैं, और दूसरा जो अंडा होता है उसको हम लोग किस में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, और थोड़ा देर के बाद क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो नमक वाला जो विलयन है उसमें रखा हुआ जो अंडा होता है, वो आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, पहले से क्या हो जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो पचक जाता है, ठीक है। और पानी वाला जो क्या होता है, हमारा जो अंडा होता है, वो पहले से थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका फूल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया क्या होता है, आपका निर्मित होता है। तो इसको हम प्रयोग के आधार पर यहाँ से इस प्रकार से समझा सकते हैं। अलग बात है कि यहाँ पर दो प्रकार की प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे अगर नमक के विलयन में हम अंडा को रखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पिचक जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो बाह्य परासरण को क्या करता है, शो करता है। और एक जो अंडा है जिसको हम लोग पानी में रखे हैं, वो क्या हो जाता है, आपका फूल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो अंतःपरासरण प्रक्रिया को क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और इन्हीं प्रयोग के आधार पर आगे हमको जो है परासरण के जो है प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं भाई। तो आगे हमारा टॉपिक किधर चलता है, परासरण के प्रकार। यहाँ पर परासरण फिलहाल दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अंतःपरासरण और एक होता है बाह्य परासरण। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एक क्या होता है भाई, हमारा अंतःपरासरण, है ना, और एक क्या होता है, हमारा बाह्य परासरण। अभी हम जो प्रयोग किए हैं उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो बाह्य परासरण, परासरण, तो परासरण कितने प्रकार का हो गया हमारा, दो प्रकार का, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। कभी कभी इससे हम लोग जो है देखते हैं, एक नंबर दो नंबर में यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक नंबर में क्वेश्चन कर सकता है कि अंतःपरासरण क्या होता है। अंतःपरासरण का सामान्य अर्थ हम ये ले सकते हैं, यदि कोई हमारे पास सेल है, है ना, या कोई पदार्थ है, जैसे अंडा का ही बात करते हैं, तो यदि इस अंडा में बाहर से कोई विलायक के कण क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं, है ना। मतलब विलायक के कण, मतलब पानी के कण अगर बाहरी माध्यम से अगर क्या करता है, हमारा किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ से जल के कण या विलायक के जो कण होता है, जब क्या हो जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है, तो उस स्थिति में हमारा जो प्रक्रिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। हम दोनों परासरण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखो करके देखा होगा या सुना होगा कि यदि हम क्या करते हैं, नमक का क्या ले लेते हैं, विलयन ले लेते हैं, या शक्कर का विलयन ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं भाई। तो हम क्या लेते हैं, नमक का क्या ले लेते हैं, विलयन ले लेते हैं, और इस नमक के विलयन में अगर हम क्या करते हैं, अंगूर को क्या कर देते हैं, यहाँ पर अगर डुबा देते हैं, तो हम देखते हैं कि अंगूर जो क्या होता है, पहले फूला रहता है, लेकिन जैसे ही उसको नमक के विलयन में क्या करते हैं, हम लोग डुबाते हैं, तो वो जो अंगूर है क्या हो जाता है, पिचक जाता है। मतलब उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अंगूर से पानी क्या हो जाता है, आपका जो है किधर की ओर चला जाता है,
जाता है, विलयन की ओर चला जाता है, क्योंकि इसमें विलायक के कण क्या हो रहा है बाहर निकल, यहाँ पर क्या हो रहा है अंगूर क्या हो गया आपका पिचक गया, मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर इसको नहीं, हम लोग इसमें दूसरा को लगते हैं ना, अंगूर को पिचक गया तो हम लोग इसमें दूसरा उदाहरण को रखते हैं भाई। तो अंतःपरासरण के उदाहरण में हम लोग देखते हैं तो किसको देखते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, जैसे हम लोग ले लिए नमक का क्या लेते हैं, चलिए विलयन को ही लेते हैं। अब नमक की जो क्या होता है विलयन होता है, और उस नमक के विलयन में अगर हम किसको कर देते हैं हमारा अंगूर को क्या कर देते हैं, अगर हम डुबा देते हैं तो हम देखते हैं कि अंगूर जो होता है वो क्या हो जाता है पिचक जाता है। पिचक जाता है मतलब उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अंगूर से पानी क्या हो जाता है बाहर चला जाता है, तो उस स्थिति में वो किसको शो करता है हमारा बाह्य परासरण को क्या करता है शो करता है या बाह्य परासरण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम एक और क्या कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं पानी ले लेते हैं, और पानी लेने के पश्चात उसमें किशमिश को क्या कर देते हैं हम लोग जो है डुबा देते हैं। तो किशमिश को हम लोग क्या करते हैं जैसे ही पानी में क्या करते हैं डुबाते हैं, आपने देखा होगा कि किशमिश क्या हो जाता है पानी में डुबाने से क्या हो जाता है आपका फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि किशमिश के अंदर में क्या हो रहा है पानी आ रहा है, मतलब बाहर से क्या कर रहा है पानी उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि किशमिश जो होता है उस किशमिश में क्या पाया जाता है हमारा अंतःपरासरण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किशमिश पहले सूखा होता है, जैसे उसको पानी में क्या करते हैं रखते हैं वो क्या करता है पानी को क्या करता है अपनी ओर खींचता है जिससे वो फूल जाता है, मतलब उसमें कौन सा क्रिया हो रहा है भाई अंतःपरासरण। जबकि अंगूर को अगर हम क्या करते हैं अगर NaCl के विलयन में रखते हैं तो उस स्थिति में अंगूर क्या हो जाता है पिचक जाता है, अर्थात वहाँ पानी के कण क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, अर्थात उसमें क्या होता है बाह्य परासरण की क्रिया होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है उदाहरण के तौर पर अंतःपरासरण को और बाह्य परासरण को क्या किया जा सकता है पूछा जा सकता है। तो ये हो गया परासरण और परासरण के प्रकार। अब इस परासरण का हमारे दैनिक जीवन में या जैविक स्थिति में दैनिक जीवन में क्या उपयोग है क्या क्या अनुप्रयोग है उसको हम आगे क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे है परासरण का जैविक महत्व, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है उसको देखना है। तो इसके बहुत सारे हमारे क्या हैं महत्व हैं। पहला महत्व ये बोल सकते हैं कि पादप में जितना भी गतियां होती है वो सब गतियां किसके कारण होती है हमारे परासरण के कारण होती है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर परासरण के कारण है ना, परासरण के कारण पादप गतियां ना पौधों में जो भी पादप गतियां हैं वो पाई जाती है। तो परासरण के कारण पौधों में है पेड़ पौधों में बोल सकते हैं पौधों में पेड़ पौधों में पादप गतियां होती है, पादप गतियां होती है, पादप गतियां होती है, मतलब पादप गतियां जितना भी क्या होती है संचालित होती हैं वो सब किसके कारण होती है परासरण के कारण होती है। तो लिख दिए हम लोग परासरण के कारण पौधों में क्या होती है पादप गतियां पाई जाती है, जैसे जल का चढ़ना ये बोल सकते हैं या उसमें जो भी गतियां होती है वो परासरण के कारण होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यदि क्या होता है जो RBC होती है RBC को अगर हम क्या करें RBC जो है हमारा इस RBC को अगर हम किसी विलयन में रख देते हैं नमक के विलयन में रख देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाती है ये जो RBC होती है क्या हो जाती है पिचक जाती है। तो RBC को है ना इसमें रखने पर जो है नमक के विलयन है मान लीजिए नमक के विलयन में रखने पर विलयन में रखने पर वह क्या हो जाती है पिचक जाती है। तो ये भी हमारा किसके कारण होती है भाई हमारा ये जो है परासरण के कारण होती है। वैसे जैविक महत्व में देखें तो ऐसा हम करना नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है ब्लड सेल जो है क्या हो जाए पिचक जाए, फिर भी हम परासरण के अंदर भी इसको रख सकते हैं ना। तो RBC जो होता है लाल रक्त कणिका होता है, यदि उसको नमक का या शक्कर के विलयन में क्या कर देते हैं रख देते हैं तो क्या हो जाती है पिचक जाती है या तो क्या हो जाती है वो सिकुड़ जाती है बोल सकते हैं। तो ये भी परासरण के जो जैविक महत्व है उसके अंतर्गत रखी जाती है। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई प्रकार के जो क्या होते हैं जैसे हमारे जैम है अचार है ये सब जो होती है उसमें या जो है जैसे जैम हो गया अचार हो गया उसमें नमक मिला दी जाती है। तो नमक मिलाने से क्या होती है हमारा जो भी जो नमक में जो पानी रहती है वो क्या हो जाती है आपके जो है बाहर निकल जाती है और फिर वो जो पदार्थ होती है वो अधिक दिनों तक क्या रहती है संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अचार हो गया अचार है ना, चाहेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई लिख सकते हैं क्या हो गया हमारा अचार हो गया जैम हो गया है ना जैम आदि को संरक्षित रखने में भी क्या होती है हमारा परासरण की जो है उपयोग की जाती है। तो अचार जैम आदि को संरक्षित रखने में
संरक्षित रखने के लिए है ना, परासरण का उपयोग की जाती है, कैसे उपयोग की जाती है, तो मैं आपको बताया कि जैसे हम अचार डालते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नमक डाल देते हैं, तो नमक क्या करता है, अचार जो होता है वो अचार में से पानी को क्या करता है, वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, सोख लेता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो आम का या जो भी अचार होता है, जैम होता है, वो क्या होता है, काफ़ी दिनों तक संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से 2-3 पॉइंट क्या की जा सकती है, इसके अंतर्गत रखी जा सकती है। पहला, परासरण के कारण पौधों की में जो भी पादप गतियाँ होती है, जल का ऊपर चढ़ना या भोज्य पदार्थ का ऊपर चढ़ना, ये सब प्रक्रिया आपको परासरण के कारण देखने को मिलती है। दूसरा, RBC जो होती है, अगर उसको किसी बिलियन में रख दी जाती है, नमक का या शक्कर का, तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है। जैसे हमने अभी किशमिश का और अंगूर का देखा है ना, जैसे अंगूर को हम लोग अगर नमक के बिलियन में रख देते हैं तो पिचक जाती है, तो उस स्थिति में वो जो है बाह्य प्रासरण को शो करती है। और अचार हो गया, जैम हो गया, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है देखा जाए तो उसमें नमक मिला दी जाती है, जिससे वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है, तो वहाँ पर भी परासरण की जैविक महत्व देखने को आपको मिलती है। कुछ हमारा क्या होती है, जो स्लाइन होती है, जो हमको इंजेक्ट की जाती है, जो सुई होती है जो इंजेक्ट की जाती है, तो आप देखे होंगे कि कुछ जो सुई होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, हमको जो है ज़्यादा दर्द होती है, और कुछ जो सुई है वो लगने के पश्चात हमको क्या होती है, कम दर्द होती है। तो ये सब जो है परासरण क्रिया पर ही क्या होती है, डिपेंड करती है। कई प्रकार के हम अभी परासरण के आधार पर विलयन देखने वाला है, समपरासरी जो है, अर्धपरासरी आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो उसके आधार पर जो समपरासरी विलयन होती है, समपरासरी जो विलयन होती है, तो समपरासरी विलयन को जब हम क्या करते हैं, अपने शरीर में इंजेक्ट की जाती है, तो उस स्थिति में फिर जो है दर्द जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हमारा 0 क्या होती है, हमारी जो 98 जो भी हमारा ग्राम का जो सोडियम क्लोराइड का एक क्या होती है, सांद्रता युक्त जो विलयन होती है, अगर वो हमारे शरीर में क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, तो फिर वो जो है ज़्यादा दर्द नहीं होती है। लेकिन उस सांद्रता से ज़्यादा अगर सोडियम क्लोराइड युक्त अगर कोई इंजेक्ट किया जाए तो दर्द हो सकती है, जिसे फिजियोलॉजी है ना, स्लाइन सोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा परासरण, प्रासरण के प्रकार और प्रासरण का जैविक महत्व। तो यहाँ से आपको जो है एक 2 नंबर में क्या की जा सकती है, क्वेश्चन की जा सकती है। अब जो है आगे जो है टॉपिक है उसके ओर हम लोग चलते हैं भाई। यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण झिल्ली के बारे में बताई गई है, जैसे हम शुरू में बात किए प्रासरण में, अर्धपारगमी झिल्ली के बारे में, तो ऐसे ही कुछ झिल्लियाँ यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज दी गई है। जैसे पहला इसमें दी गई है वो कौन सा झिल्ली है भाई, हमारा अर्धपारगमी झिल्ली। अर्धपारगमी झिल्ली क्या होती है, ये झिल्ली आपको जैसे अंडे का जो क्या होती है, अगर बाहरी अगर उसका कवर को निकाल दिया जाए तो वहाँ से जो झिल्ली प्राप्त होती है वह झिल्ली आपका अर्धपारगमी झिल्ली होती है। और ये झिल्ली ऐसी होती है जो अपने में से केवल विलायक के कण को ही क्या करने देती है, आर पार जाने देती है, विलेय के कण को आर पार जाने नहीं देती है। तो ये झिल्ली क्या कहलाती है, आपकी अर्धपारगमी झिल्ली कहलाती है ना। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित की जा सकती है कि वह झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के कण खास करके जल बोल सकते हैं ना, जल कण को ही आर पार है ना आने जाने देती है। क्या कहलाती है, हमारी अर्धपारगमी झिल्ली कहलाती है। तो इस प्रकार से हम अर्धपारगमी झिल्ली को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि अर्धपारगमी झिल्ली वह झिल्ली होती है जिस झिल्ली में से अगर हम क्या करें, किसी चीज़ को पृथक करें, तो वो अपने में से केवल किसको भाई, हमारा केवल विलायक के कण को ही है ना, या हम बोल सकते हैं जल के कण को ही अपने में से क्या करती है, आर पार आने और
जाने देती है, तो ऐसा जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है आपकी, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण के लिए जितने भी जंतु झिल्ली है, अगर हम इसकी बात करें तो जो जंतु झिल्ली होती है ये किस प्रकार की झिल्ली होती है भाई हमारा, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, है ना। अंडे में जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, चर्म पत्र होती है ये आपकी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और आजकल तो लैब में भी बनाई जा चुकी है भाई, कॉपर फेरोसाइनेट जिसको बोली जाती है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इसको भी आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पूर्ण पारगम्य झिल्ली। पूर्ण पारगम्य झिल्ली मतलब पारगम्य मतलब जिसमें से कोई भी कण आया जा सकती है, चाहे वो विलेय के कण हो चाहे वो विलायक के कण हो, कोई भी कण क्या कर सकती है जब आर पार झिल्ली के आ जा सकती है, तो इस प्रकार की जो झिल्ली होती है वो क्या कहती है, पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहलाती है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि वह झिल्ली जो अपने में से किसी भी कण को, है ना, किसी भी कण को है ना आर पार आने अथवा जाने देती है क्या कहलाती है हमारी, पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहलाती है। आप अपने हिसाब से भी परिभाषा कर सकते हैं कि पूर्ण पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिनमें से चाहे वो विलेय के कण हो चाहे विलायक के कण हो, कोई भी क्या कर सकती है, आर पार आया जा सकती है, तो वो हमारा क्या कहलाती है भाई, हमारा पूर्ण पारगम्य झिल्ली के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग कितना झिल्ली पढ़ लिए, दो झिल्ली, पहला अर्ध पारगम्य और दूसरा पूर्ण पारगम्य। अगर हम थर्ड की ओर चलें तो थर्ड बोल रहा है क्या, अपारगम्य, मतलब ऐसा झिल्ली जिनमें से कोई भी कण आर पार आया जा नहीं सकती, वो क्या कहलाती है हमारी, अर्ध अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो सिंपल है हमारा, वह झिल्ली जो अपने में से है ना किसी कण को आने अथवा जाने नहीं देती है। तो इस तरीका से हमने कितना झिल्ली देख लिया भाई, तीन झिल्ली, जिसमें से आपको जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। बाकी झिल्ली है ये तो नाम से है, अपारगम्य, जिसमें से किसी भी कोई भी कण हो आर पर ना जा सके वो अपारगम्य, और जिनमें से सब चीज़ आ जा सके उसको बोलते हैं पारगम्य। तो सबसे ज़्यादा महत्व इसमें कौन सा है हमारा भाई, अर्धपारगम्य। तो ये हो गया आपका झिल्ली से रिलेटेड बातें, ये तो हो गया इतना में, क्या हो गया आपका प्रासरण। अब हम आगे चलते हैं प्रासरण दाब के पास, ठीक है। तो कहाँ है आगे का हमारा टॉपिक, क्या है भाई, प्रासरण दाब। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि प्रासरण दाब होता क्या है। तो प्रासरण दाब को समझने के लिए हम पुनः किसके पास चलते हैं, प्रासरण के परिभाषा के पास चलते हैं। तो आपने प्रासरण की परिभाषा क्या दिया था भाई, तो ये दिया था, यदि हमारा क्या होता है, दो विलयन है, उन दोनों विलयन को अगर हम क्या करते हैं, जिनकी सांद्रता आपका क्या है, अलग अलग है, अगर उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे पृथक कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा एक दिया गया है जिसकी सांद्रता आपका क्या है, कम वाला विलयन है, और एक विलयन दिया है जिसकी सांद्रता आपका क्या है, ज़्यादा है। वैसे कम सांद्रता में हम विलायक को ही रखते हैं, और फिर विलयन जो होता है उसको हम लोग अधिक सांद्रता में रखते हैं। तो दो विलयन हैं जिनकी सांद्रता में क्या है हमारा अंतर है, और उनको हम लोग जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या रखे हैं, पृथक रखे हैं। तो हम देखते हैं कि जो विलायक के जो कण होते हैं, ये विलायक के कण क्या करते हैं, अपने आप अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, किसके कण भाई हमारे, विलायक के जो कण होते हैं वह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है हमारा, कम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कम सांद्रता से विलायक के कण जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके किधर जाने लगता है भाई, अधिक सांद्रता वाले जो विलयन होता है उधर क्या करने लगता है, जाने लगता है ना।
अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो विलयन होता है, क्या होता है हमारा जो विलयन वाला जो भाग होता है, इस विलयन वाला भाग में इतना हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, दाब लगाते हैं विलयन वाला में ना, विलायक वाला में नहीं, क्योंकि विलायक किधर जा रहा है, विलयन की ओर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं विलयन में क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो पिस्टन के माध्यम हो चाहे अन्य माध्यम से, हम क्या करते हैं इतना दाब लगाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है हमारा विलयन और विलायक के बीच जो होने वाला प्रसरण की क्रिया है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो हमारे द्वारा लगाए गए जो दाब होता है वो क्या कहलाता है आपका, प्रसरण दाब कहलाता है या प्रसरण दाब कहते हैं। तो आप परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अगर हम क्या कर देते हैं, अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक कर देते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किधर जाते हैं, हमारे विलयन की ओर जाते हैं। यदि विलयन में हम इतना दाब लगाते हैं या विलयन में बाहरी इतना दाब लगाते हैं जिससे विलायक और जो विलयन होता है वो दोनों के बीच प्रसरण क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो हमारे द्वारा लगाया गया बाहरी दाब क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। और यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है कि किसी विलयन का प्रसरण दाब लगाए गए उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन और विलायक के मध्य प्रसरण क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यही आपका क्या कहलाता है भाई, प्रसरण दाब कहलाता है, प्रसरण दाब कहते हैं। और ये इसके छोटे से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा ये प्रसरण दाब, तो इसको भी आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब हम थोड़ा सा प्रसरण दाब को दर्शाने के लिए कुछ उपकरण, कुछ विधि बताया गया है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं भाई, चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है, प्रसरण की क्रिया को दर्शाने के लिए उपकरण और विधि। तो प्रसरण की क्रिया को सरलता से समझाने के लिए, अच्छा से समझाने के लिए यहाँ पर बर्कले और हाडले, है ना, दो वैज्ञानिक है हमारा, कौन से भाई हमारा, एक है बर्कले एवं हाडले, इन्होंने कुछ उपकरण बनाया है भाई, किसको दर्शाने के लिए, तो प्रसरण दाब को दर्शाने के लिए। बर्कले और हाडले ने प्रसरण दाब को समझाने के लिए क्या किया है, नली लेते हैं, सरंध्रयुक्त मतलब छिद्रयुक्त क्या ले लेते हैं हम लोग, नली ले लेते हैं, ये हमारा कैसा है, हमारा छिद्रयुक्त नली ले लेते हैं। और इस छिद्रयुक्त नली को हम क्या करते हैं, चारों तरफ से, ये भी हमारा, ये वाला को हम बोल सकते हैं इसको चारों तरफ से और इसको चारों तरफ से हम क्या करते हैं, अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो हम क्या बोले कि जो है बर्कले और हाडले ने प्रसरण क्रिया को दर्शाने के लिए दो छिद्रयुक्त क्या लिए, नली लिए, और उस छिद्रयुक्त नली को चारों तरफ से मतलब पूरा चारों तरफ से क्या कर लिए, अर्धपारगमी झिल्ली से क्या कर दिए, कवर कर दिए, और उसके बीच जो है जल को भर दिए, किसको भर दिए, जल को। और जल को भरने के पश्चात एक तरफ उन्होंने जो है टोटीदार कीप लगा दिए, है ना, ये हमारा क्या है, टोटीदार कीप लगा दिए भाई। तो यहाँ पर इसको बना देते हैं, ये हमने क्या पर लगा दिए, टोटीदार क्या लगा दिए, उन्होंने कीप लगा दिए इस प्रकार के, ठीक है, ये उन्होंने टोटीदार कीप लगा दिए, इसको लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, टोटीदार कीप, है ना, टोटीदार कीप लगा दिए भाई। और एक तरफ उन्होंने केसिका नली लगा दिए, ये हमारा क्या लगा दिए, केसिका नली, ठीक है, ये हमारा हो गया केसिका नली लगा दिए, है ना, केसिका नली लगा दिए, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, बर्कले और हाडले, फिर से रिपीट करते हैं, बर्कले और हाडले ने दो सरंध्रयुक्त क्या लिए, हमारा नली लिए, उसको जो है आपको जो है चारों तरफ से अर्धपारगम झिल्ली से कवर कर दिए, फिर उसमें क्या लगा दिए उन्होंने, बीच में पानी भर दिए, उसके एक सिरे में उन्होंने केसिका नली और दूसरे सिरे में टोटीदार कीप लगा दिए। और प्रारंभ में जो भी जल की स्थिति है, यहाँ पर प्रारंभ में जो जल भरा है उसकी स्थिति को उन्होंने क्या कर लिए, दोनों ही स्थिति में नोट कर लिए। उसके पश्चात उन्होंने जिस विलयन को क्या था, जिस विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना था उसको इसके ऊपर इस प्रकार से बना हुआ पात्र के अंदर क्या कर दिए, उन्होंने उसको भर दिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर जो भी विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना था उसको उस नली के बाहर एक अन्य हमारा जो पात्र था उसमें क्या कर दिए, उनको भर दिए। और उस विलयन में फिर उन्होंने एक पिस्टन लगा दिए, ये उन्होंने क्या लगा दिए भाई, पिस्टन, ये हमारा क्या है, पिस्टन,
पिस्टन मतलब जिससे हमको क्या करना है, दाब लगाना है। तो उन्होंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कितना दाब लगा रहे हैं उन दाब को मापने के लिए उन्होंने दाब मापी भी क्या कर दिए, लगा दिए। तो इस प्रकार से कौन है हमारा, दाब मापी लगा दिए। अब जो है हम देखते हैं, या थोड़ा देर के उन्होंने छोड़ दिए, तो वो देखे कि धीरे धीरे क्या होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, ये जल के अणु किधर जाने लगते हैं, हमारे अर्धपारगमी झिल्ली से होकर के आपके किधर की ओर जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे केशिका नली में जो स्तर हम पहले नोट किए हैं वो स्तर धीरे धीरे क्या होने लगती है, इसमें कम होने लगने लगती है ना। अब जो है बाहरी माध्यम से किधर की ओर, विलयन की ओर जो है पिस्टन के द्वारा इतना दाब लगाई जाती है कि इन दोनों के बीच, किनके किनके बीच, विलयन के बीच और जल के बीच जो हो रही प्रासरण की क्रिया वो क्या हो जाए, रुक जाए। इसलिए बाहरी पिस्टन में इतना दाब लगाई जाती है कि इनके बीच हो रही प्रासरण क्या हो जाती है, रुक जाती है। अर्थात यहाँ पर जो स्तर जल के नीचे हुई रहती है वो फिर से पुरानी स्तर में आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इन दोनों के बीच प्रासरण क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो लगाई गई जो बाहरी दाब होती है वो दाब आपकी क्या कहलाती है, प्रासरण दाब के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीका से इस यंत्र के द्वारा जो भी हमारा प्रासरण है, विलयन का प्रासरण दाब है, उसको क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो ये हो गया आपका बरकले और हाडले के द्वारा प्रासरण की क्रिया को जो है समझाने के लिए बताई गई उपकरण और विधि। आपको भी वैसे लिखना है कि उन्होंने सबसे पहले दो समूह केंद्रीय नली लिया, जो चारों तरफ से क्या था हमारा, अर्धपारगमी झिल्ली से क्या था, कवर था। उसके एक सिर उन्होंने टोटीदार कीप लगा दिया, साथ ही साथ केशिका नली लगा दिया और बीच में जल को भर दिया। प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने जल को क्या कर लिया, जो भी पाठ्यांक था उसको नोट कर लिया। उसके पश्चात जल के चारों तरफ जो है पात्र था उसमें उस विलयन को भर दिया गया, जिस विलयन का हमको प्रासरण दाब क्या करना था, याद था। और उसके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, साथ ही साथ दाब को नापने के लिए दाब मापी लगा दिया गया। थोड़ी देर के बाद ये देखा कि जल जो होता है वो स्वतः ही विलयन की ओर जाने लगता है। उसके बाद उन्होंने पिस्टन के पिस्टन पर इतना दाब लगाया कि यहाँ पर विलयन और जल के बीच होने वाले प्रासरण क्रिया क्या हो गया, रुक गया। उस दाब को यहाँ पर दाब मापी से क्या कर लिया गया, नोट कर लिया गया। तो इस तरीका से इसके अंदर जो विलयन था उसका प्रासरण दाब क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो ये उपकरण किनके द्वारा दिया गया भाई, बरकले और हाडले। अब इस उपकरण के क्या क्या लाभ हैं है ना, उनको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला दाब ये है कि यहाँ पर जो दाब लगाते हैं तो उस स्थिति में अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके फटने की डर क्या होता है, कम होता है। तो दाब लगाने से इस यंत्र में दाब लगाने से अर्धपारगम्य झिल्ली के टूटने की संभावना कम होती है। पहला लाभ ये है ना। अगर हम डायरेक्टली अपने से करें तो शायद झिल्ली क्या हो सकती है हमारी, जो है टूट जाती है, फट जाती है, तो उस स्थिति में हमको जो है सही प्रासरण दाब ज्ञात नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा, इसमें क्या होती है, हमको प्रासरण दाब ज्ञात करने में क्या होती है, समय कम लगती है। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, प्रासरण दाब ज्ञात करने में समय कम लगती है, मतलब तुरंत हमको जो है पता चल जाती है भाई, तो समय का भी बचत हो गया है ना, तो समय कम लगती है। तो इस प्रकार से इस यंत्र से लाभ भी क्या की जा सकती है, देखी जा सकती है। तो ये हो गया प्रासरण की क्रिया को दर्शाने के लिए उपकरण और विधि, जो किनके द्वारा दिया गया, बरकले और हाडले।